हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और केमिस्ट्री टीचर। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर जो है वो पिछले एक लेक्चर के कंटिन्यूशन में है, जिसका टॉपिक था बोहर्स रेडियस और एनथ ऑर्बिट। और आज हम सीखने वाले हैं बोहर्स एनर्जी। बेटा ये दोनों ही टॉपिक, दोनों डेरिवेशन जो है हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, लाजमी आना इनमें से एक क्वेश्चन, तो इसको पक्का कर लो अपना। अगर रेडियस नहीं देखा तो आप जाके देख लो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई के बटन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के लिए। नाउ बोहर ने बेसिकली काम किसके लिए किया? हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए डेरिवेशन आसान भी है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। नाउ बोहर्स एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट, तो बेटा इसका एक पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, ठीक है। और बेटा सेंटर से लेकर, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये है हमारे पास आर। और आपके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, प्लस साइन शो करता है प्रोटॉन का, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है एटॉमिक नंबर। सो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने टोटल एनर्जी निकालनी है तो यू हैव टू सम अप द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे पहले काम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नील बोहर, ये वही पॉस्टुलेट बताने जा रहा हूँ जो मैंने रेडियस में जिसका सहारा लिया था। वो क्या था कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो दैट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। तो उसके लिए मैंने पूरी डेरिवेशन की थी रेडियस वाले में, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके लिए, हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जाके देख लेना आप। सो हमारे पास डेरिवेशन आई थी जेड E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कहाँ से आया था बेटा, फेराडेज लॉ से, जबकि एम वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने ड्राइव किया था। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा बेटा आमने सामने, तो आपके पास नया एक्सप्रेशन क्या बना, जेड स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। नाउ अब हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि आपके पास अभी क्या मौजूद है, एम वी स्क्वायर। तो हाफ कहां से लाएं बेटा, अगर दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। देखो एक इक्वेशन को नहीं, एक साइड को नहीं कर सकते, तो हमें होल इक्वेशन को करना पड़ता है 2 से डिवाइड। सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास बन गया आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं के ई, विच इज काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमारे पास एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो ये फॉर्मूला लेंगे। अब ये फॉर्मूला हमारे पास नोट्स में डायरेक्ट लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि अंडरस्टूड है, ये ड्राइव हो चुका है ऑलरेडी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मैं इसके पीछे का बताता हूँ सारा चक्कर क्या है। देखो फैराडे ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी दी थी, जैसे लॉ दिया था ना, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी दी थी। बेटा वो कैसे आई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसने कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला था उसने कि के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, नॉट आर स्क्वायर, ओके, तो उसने ये बोला था। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, कौन कौन से, एक प्लस का चार्ज विच इज प्रोटॉन, और जबकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। तो सिंस दोनों का चार्ज बराबर है तो दोनों को हमने बोल दिया ई। लेकिन बेटा यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई कि के जो था कांस्टेंट ना, ये तो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, तो इसका तो कोई मसला नहीं है। तो इसकी जगह पे तो हमने जेड लिख दिया जो इधर आ गया। अब क्यू वन और क्यू टू की जगह पे हम ई लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, लेकिन बेटा यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी में, जब आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो हमेशा आपका आंसर नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हैं और दूसरे को पॉजिटिव लेते हैं। जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आता है z एज इट इज आया, और इसकी जगह पे आ जाता है माइनस ई का स्क्वायर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, ओ सॉरी दो चार्जेज हैं, क्यू वन क्यू टू को मैंने ई बोला था ना, और ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आया ये माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर।
ठीक है, तो हमने चार्ज का साइन लेना है। तो इसका रीजन भी यही है, अगर रीजन भी आया तो रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन का लिया तो उसका ये माइनस साइन आया है। ठीक है, तो चलिए टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। सो अब क्या होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इधर रख दी जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां रखी, तो हमारे पास क्या बना, ये टर्म आ गई हमारे पास, प्लस का साइन था माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा ये इस तरीके से। तो अब बेटा इनमें से कोई चीज़ कॉमन नजर आ रही है, वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है लेकिन अभी आप देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ये जेड ई स्क्वायर ओवर आर कॉमन आ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचता है, इसमें से हाफ बचा फर्स्ट में से और सेकेंड में से वन बचा, तो जब इनका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये कितना आएगा, माइनस वन अपॉन टू, जिसको मैं बाद में जेड ई स्क्वायर ओवर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर टू आर। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द बोहर्स एनर्जी, बट हमारे नोट्स में ऐसा तो नहीं होता। हमारे नोट्स में क्या होता है बेटा, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी ना आर की वैल्यू, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलो पुट करते हैं, आर की वैल्यू है बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो मैं आर की जगह पे पुट करता हूँ इसको, जब मैंने आर की जगह पे इसको पुट किया तो क्या होता है, मैथ की प्रॉपर्टी है नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये बेटा जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा, जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ई फोर। तो जब ई फोर बना तो ये हमारे पास आ गई डेरिवेशन, यहाँ से टू से यहाँ पे फोर कैंसिल हुआ तो बचा टू, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया ई इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना, ऑर्बिट जितनी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी निकालने के लिए, लाइक फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो फोर रखोगे इधर। ओके, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई हमारे पास चार्जेस, एम मास, जेड एटॉमिक नंबर, पाई पाई की वैल्यू 22/7 और 3.142, तो इस तरीके से आपका ये एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, तो एटम हमारे इसके लिए अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकालोगे तो एनर्जी की वैल्यू आएगी -13.6। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, अगर वीडियो को पसंद आई, वीडियो लेक्चर समझ आया तो बेटा इसको लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।